तुम्हारा बेटा हनी स्कूल में सेफ नहीं है, जल्द से जल्द उसे वहां से निकाल लो। अस्पताल में जो हुआ वो इत्तेफाक नहीं था। कोई है जो हनी के पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज हनी को बचा लो। हनी पर क्या खतरा हो सकता है स्कूल में? सीसीटीवी तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, डिटेल तुमने अच्छे से नोट नहीं की, और जिसने फोन और सिम लिया है उसका नाम है जीनत तमान, मजाक चल रहा है यहाँ पे। और जो एड्रेस लिख कर गई है वो भी गलत है। पहली बात, बिना आईडी प्रूफ के सिम कार्ड देना इलीगल है। अंदर करूँ तुझे? माफ कर दो सर जी, गलती हो गई, अगली बार से ध्यान रखूंगा। देख अगर जेल नहीं जाना है ना तो बता वो बंदी दिखती कैसी थी, हम उसका स्केच तैयार करेंगे। मैडम वो बंदी, उसने तो बुर्का पहना हुआ था, शक्ल मुझे याद नहीं। रॉकी छोड़ो छोड़ो इसे, फोन लेकर गई है ना तो कभी ना कभी तो ऑन करेगी ही, और जैसे ही ऑन करेगी हम उसे ट्रेस कर लेंगे। फिलहाल तुम घर जाओ, हनी का ध्यान रखो। चेंज करके अब तक बिस्तर में क्यों नहीं घुसा तू? सुना नहीं तूने पापा ने क्या कहा है? कोई स्कूल विस्कूल नहीं जाना है तुझे। मैंने और कोई चांस नहीं देना रॉकी को मुझ पे और गुस्सा करने के लिए। पर मुझे खुशी अंदर ना स्वीटी से। स्वीटी स्वीटी और खुशी खुशी किया है ना तूने, तो मैंने ना कड़वे कड़वे करेले का जूस पिला देना है तुझे, और फिर पीते रहना खुशी से एकदम। और ज्यादा एंजल्स एंजल्स खुशी एंजल्स ये सब किया ना तूने, तो डेविल्स बन के ना स्याप्पा खड़ा कर देना मैंने। आप सही बोल रहे हो मम्मा, मैं तो रेडी होने में ही इतना थक गया, अब सो जाता हूँ, नहीं तो फालतू में ही पापा आप पे भी गुस्सा करेंगे और मुझ पे भी। दम तो है हलीम तेरी आवाज में, जरा रोब से क्या बोला तूने, देख कैसे डर के बात मान गया तेरी। अच्छे बच्चे स्कूल की छुट्टी नहीं करते, मैं तो स्कूल जाऊंगा। इसके पीछे जो कोई भी है वो ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएगा। मैं बॉस से बात करती हूँ, उनके पास कोई तो आइडिया होगा कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए। बॉस आ गए क्या? कल ही लौटे और कुछ ही दिनों में ऑफिस भी ज्वाइन करेंगे। चलो। कहाँ है मेरी खुशी एंजल? हनी बेटा। हनी बेटा तबीयत कैसी है आपकी अभी? एकदम चंगी। वेरी गुड। अरे रुको तो, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने अपने हनी बच्चे के लिए एक सरप्राइज लाया है। क्या? देखो ये देखो क्या है, चॉकलेट बर्फी। ये हनी को पसंद है ना? ये ड्रग तुम्हें हर हफ्ते हनी को देना होगा, अब चाहे तुम इसको उसके खाने में डाल कर दो या पानी में। खा ले बेटा खा ले, इसी से हमारा बॉम्ब सही सलामत रहेगा। लो बेटा। मेरी खुशी एंजल आ गई। खुशी जी क्या हो गया? खा रहा था बेचारा बच्चा अच्छे से। मीनू जी हनी अभी अभी तो ठीक हुआ है, ऐसे चॉकलेट बर्फी खाएगा तो और तबीयत खराब हो जाएगी ना। लाओ हनी बेटा। बेटा डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या खाना है और क्या नहीं बताया है ना? सॉरी मीनू मैम, खुशी एंजल ने मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, अब डॉक्टर ने मना किया है तो नहीं सही। सॉरी खुशी जी, मैं नहीं जानती थी इसके बारे में। अब तो पता चल गया है ना?
जी। हनी को क्लास में जाने के लिए लेट हो रही है, मैं इसे लेके जाती हूँ। हनी बेटा, आप तो आज स्कूल नहीं आने वाले थे ना, रेस्ट करना था आपको आज, तो फिर कैसे आ गए? हाँ, मेरे पापा ने कहा है ना कि स्पीच वाला कंपटीशन भी जरूरी है, तो मैंने बोला कि लोड मत लो पापा, मेरी खुशी एंजल है ना स्कूल में मेरा ध्यान रखने के लिए, तो मैं आ गया। ऐसे कैसे रॉकी ने स्कूल आने दिया हनी को? पता नहीं खुशी के बच्चे को क्या हुआ, अजीब सा बर्ताव कर रही है। हनी के चारों तरफ ऐसे मंडराती है जैसे वो उसी का बच्चा है, अब तो लग रहा है जैसे वो मुझ पे नजर रखी हुई है। कुछ सही नहीं है, कुछ तो चल रहा है इसके मन में। इसे तो हम देख लेंगे, पर पहले सबको ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि खुशी ये लो, और उसके लिए हमारे प्लान का काम करना बहुत जरूरी है। वो दूसरी क्लास के बच्चे कब आ रहे हैं? बस एक घंटे में। तुम लोगों की नाक के नीचे से बच्चा निकल के चला गया और तुम लोगों को खबर तक नहीं है, तुम लोगों पे किसी बात का भरोसा करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं रॉकी, मैं खुद थी यहाँ, मैंने खुद उसे देखा, वो यही सो रहा था, वो यही था। हाँ तो नीचे उठ के खुद चला गया वो यहाँ से, बोला था ना मैंने कि अकेला नहीं छोड़ना तो मतलब नहीं छोड़ना, अगर उसको कुछ हो गया ना अर्ली तो मैं तुम्हें। हनी खुद चल के गया यहां से। रॉकी, मुझे लगता है वो स्कूल गया होगा, क्योंकि उसे घर से ज्यादा अपने स्कूल में अच्छा लगता है खुशी टीचर के साथ में, इसलिए शायद हो सकता है। तुझे क्या लगता है क्या टॉपिक होगा डिबेट का आज? हाँ यार, कोई करंट टॉपिक ही होगा, मुझे तो यही लगता है। एक तो बोर हो रहा है यार, और ऊपर से यहाँ कोई है भी नहीं, जल्दी शुरू हो यार। बोर हो रहे हो? क्यों चाचा, टाइम पास करोगे हमारा? टाइम पास तो कर सकता हूँ, पर तुम अभी बच्चे हो, कुछ बड़ों वाला काम करने का दम है तो बताओ। माल चाहिए, 5 मिनट में हवा में उड़ने लगोगे? अरे टाइम पास तो क्या, टाइम कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। पैसे नहीं हमारे पास है सबके लिए। अरे पैसे मांगे किसने हैं, पहली बारी में फ्री है, अगर पसंद आए ना तो अगली बार मुझसे ही खरीदना। एक बार ये नशा कर लोगे ना तो सारा दर्द, सारा खौफ सब गायब, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर ये करके डिबेट कॉम्पिटिशन में गए ना तो जीत तो पक्की है। काम हो गया। हनी मुझे तेरे टेंशन हो रही थी, तू प्रॉमिस कर कि तू अपना ख्याल रखेगा, प्रॉमिस। अब तू कह रही है तो रखना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सनशाइन न्यू स्कूल की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस होने वाले कंपटीशन से तय होगा इंडिपेंडेंस डे पे होने वाले प्रोग्राम में कौन से स्कूल्स और कौन से स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड फर्स्ट राउंड में जो स्टूडेंट्स पार्ट लेंगे मैं उन्हें स्टेज पे बुलाऊंगी। पर उससे पहले इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त को जो सेमिनार होगा उसका टॉपिक है एंटी ड्रग कैंपेन। जी हाँ, ड्रग का स्टेट पर असर।
और ड्रग्स को रोकने के लिए जो मुहिम है उसके ऊपर डिस्कशन। इस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए सबसे पहले जो आ रहे हैं उनके नाम है अनिरुद्ध शर्मा, नितिन अरोड़ा, और रमन रस्तोगी। ये लो, चुपचाप रख लो। इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। देख देखो देखो जा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो गया? अंदर इसको फोन करो, डॉक्टर को फोन करो। इसकी धड़कनें भी नहीं चल रही। चलो पढ़िए, सबका ध्यान हनी से हटके इस तरफ जाएगा। अरे पानी पानी लेके आइए ना। इसकी तो धड़कन भी बंद हो गई है। उस दिन हनी के साथ जो हुआ सेम वैसे ही इनकी भी तबीयत खराब हो रही है। अरे घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, कुछ नहीं हो गया, डॉक्टर को आने दीजिए। क्या हो गया? हनी, खुशी अंजल, सर बहुत गुस्सा करेंगे। मैंने आपसे झूठ बोला था कि पापा ने मुझे यहाँ भेजा है। वो नहीं चाहते थे कि मैं स्कूल आऊँ, पर मुझे आपसे मिलना था इसलिए मैं उनको बिना बताए आ गया। क्यों बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? आप तो बाद में डांट लेना, पर प्लीज सर से बचा लीजिए। प्लीज खुशी अंजल, प्लीज। हनी, मैंने तुझे कितने बार कहा ना घर से झूठ बोल के भागना बंद कर दे। हनी बेटा इधर देखो, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप सीधा अपने पापा के पास जाओगे। हनी मीनू जी कहाँ गए? अचानक से गायब हो गए। और ये बच्चे, बच्चों के साथ वही सब हो रहा है जो हनी के साथ हुआ था। सर में दर्द होना, पर चक्कर आके नीचे गिर जाना और फिर पल्स बंद हो जाना। हो ना हो, ये सब मीनू जी ने ही किया है। उसी की खुराफात है ये सब। खुशी, प्लीज बच्चों को संभालो ना, वो बहुत डर गए हैं। थैंक गॉड, शायद रॉकी यहां से चला गया है।
क्या बोला था मैंने हनी? स्कूल नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। बात सुनाई नहीं देती या समझ में नहीं आता? सॉरी सर, गलती हो गई। चुप, जब तक मैं नहीं बोलूंगा ना तुम स्कूल जाओगे, ना किसी दोस्त से मिलोगे, ना खेलोगे। आई बात समझ में? लेकिन स्कूल तो सर। हनी, प्यार से समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, दूसरी भाषा में समझाओ, बोर्डिंग स्कूल भेज दो फिर से। नहीं सर। हनी, तुम्हें पता है आज स्कूल में क्या हुआ? नहीं। वही जो हनी के साथ हुआ, दो बच्चों की तबीयत खराब हो गई, सिर में दर्द, बेहोशी, सेम थिंग। एक काम बोला था तुम्हें, कायदे से कर लो ना, हनी घर से नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। हेलो डॉक्टर जी। जी जी हाँ, मैं यहीं पे हूँ स्कूल में। मैंने देखा दो बच्चों की तबीयत खराब हो गई, वैसे जैसे हनी की हुई थी। मैं अभी मैं ये क्लासरूम में हूँ, हाँ रूम नंबर 5B। पर डॉक्टर बात क्या है? डॉक्टर ऐसे कैसे हो सकता है, हनी इन सब चीजों के लिए बहुत छोटा है अभी। रॉकी जी, जब मुझे हनी का केस हैंडओवर किया गया था तब मैंने इस केस की अच्छे से स्टडी की है। अब ये समझ लो कि तबीयत खराब होने की वजह एक ड्रग है और उसी की वजह से बॉडी में जहर बन रहा है। आज जिन बच्चों की तबीयत खराब हुई है उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने ड्रग ली थी। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हनी की बॉडी में वो जहर कैसे आ गया। पैथोलॉजी से मैंने रिपोर्ट चेक करवाई थी हनी की, इन बच्चों के साथ हनी की रिपोर्ट मैच हो रही है। इसका ये मतलब है कि तबीयत बिगड़ने की वजह सेम है, वो ड्रग। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है। हनी की बॉडी में ड्रग जाएगा कैसे, और कोई उसको क्यों ड्रग्स बेचेगा या उसको ड्रग देगा सर? इट्स नॉट पॉसिबल सर। मिस्टर खोसला, सारे सिम्टम्स सेम है, जो हनी के साथ हुआ है वही सीनियर स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है। ऐसा लग रहा है कि किसी खास ड्रग का इन्होंने ओवरडोज लिया है। ये नया ड्रग है, इसका थोड़ा सा अमाउंट भी बहुत खतरनाक है। अब तक इस पर डायग्नोसिस नहीं किया था लेकिन आज के केस के बाद ये बात कंफर्म है। हमारा प्लान काम करके, तुमने जिन स्टूडेंट्स को वो ड्रग्स दिए थे उनके बीमार पड़ने के सारे सिम्टम्स बिल्कुल हनी जैसे। अब डॉक्टर्स का मानना है कि हनी के बॉडी में भी वही ड्रग्स है। तो हम जानते हैं कि हनी के बीमार पड़ने की वजह वो ड्रग्स नहीं, चिप है, जिसकी वजह से हनी राइट टाइम पर बॉम्ब बन के फटेगा। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि हनी एक चलता फिरता बॉम्ब है। अरलीन, अरलीन बात सुनो मेरी, मैं कह रहा हूं बात सुनो मेरी। बहुत सुनी तुम्हारी बात मैंने, बहुत सुन ली तुम्हारी बात। अब और नहीं, यही तो करते आए हो ना तुम, जो मन में आया वो मुझे सुना दिया। हर दिन मुझे यही बताया तुमने कि मैं कितनी वेस्ट, मुझ में कोई अकल नहीं है, मुझ में कोई समझ नहीं है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है ना तुम्हारे सामने। और मैं पागल रॉकी हनी बीज, रॉकी हनी बीज कह के तुम्हारे आगे पीछे मंडराती रहती हूँ। बस तुमने जितनी बेइज्जती की ना रॉकी, बिना चू चपड़ किए मैं सहती रही। बाहर आई तो रॉकी देख लेगा, और वापस जाने में भी रिस्क है। अब मैं जो पूछ रही हूँ ना तुमसे, उसका जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रॉकी उस जहर को घर में लाने की? मुझे बीजी के पास जाना है, मुझे घर जाना है। नहीं? चुप कर जा, जा वरना एक खींच के रख देनी है मैंने तुझे। हरलीन, बच्चे के सामने तमाशा करना बंद करो और आवाज को ऊंची करके उसको डराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स ने बोला है कि उसकी तबीयत अभी भी खराब है, और माँ हो तुम इसकी। अरे ये माँ और ममता वाला पाठ ना तुम पढ़ाना बंद कर दो मुझे। मैं चाहे जैसी भी माँ हूँ, तुम क्या हो? आज तक बाप का फर्ज अदा किया है कभी तुमने? बताओ,
एटलीस्ट मैंने उसे गलत रास्ते पर चलने की सीख नहीं दी है तुम्हारी तरह। मतलब क्या तुम्हारा? हलीम बात को ना बढ़ाओ मत। सही, यही तो करते आए हो तुम और यही तो टॉन्ट मारते आए हो रोज मुझे कि जो भी जिंदगी ऐशो आराम की लाइफ में जी रही हूँ ना वो सिर्फ तुम्हारी बदौलत है। तो सुन लो मिस्टर रॉकी खोसला, ये जिंदगी ना तुम्हारी दी हुई खैरात नहीं है और तुम जो यहाँ वहां घूमते रहते हो अपनी पुरानी आदतों का शौक पूरा कर रहे हो तुम उसका क्या? तब जाकर बच्चे का ख्याल नहीं आता तुम्हें? हाँ आज मैं ही जाकर खबर दे दूं तुम्हारी पुलिस में। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।